हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक उस चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ जो मैंने काफ़ी दिनों से उसके ऊपर वीडियो बनाए नहीं, मतलब वीडियो शूट करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आपका वो जो सब्ज़ी ख़रीदने के वीडियो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, आप लोग जब जाते हो दोनों हस्बैंड वाइफ और मापसा मेन जो गोवा की सब्जी मार्केट है, मापसा में मेन सब्जी मंडी है, वहाँ से आप कैसे सब्जी खरीदते हो, कितनी सस्ती सब्जी होती है और किस तरीके से आप लोग चुनते हो, और मंडी का जो लुक है इतनी साफ़ सफाई वाली मंडी और इतना सिस्टमेटिकली, तो आप उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाने बंद कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार जब हम अगली बार जाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। तो आज का अपना चैलेंज समझो, जो भी समझो, आज 500 रुपये है मेरे पास ये, और मैं देखूंगा कि हम 500 रुपये के अंदर हम कितनी सब्जी, इस 500 रुपये के अंदर हम कितनी सब्जी खरीद के लाते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा कि इससे पहले जब वीडियो डाले थे तो 300 रुपये में हमने सब्जी खरीदी थी 4 दिन की, कभी हमने 400 रुपये की सब्जी खरीदी 1 हफ्ते की। तो इस बार हम 500 रुपये का हिसाब देखते हैं कि 500 रुपये में कितनी सब्जियां आएंगी और क्या रेट चल रहा है सब्जियों का, और तो वो, और अगर GoPro लेके जाएंगे तो हो सकता है कि हम उससे फिर रास्ते का भी आपको व्यू दिखा देंगे। स्कूटर से जा रहे हैं हम दोनों, तो चलो फिर अब सब्जी खरीदेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पहले भी कई वीडियो डाले हैं, आप लोगों को समझ में भी आए थे, पसंद भी आए थे। अभी मैंने स्कूटर में हवा भरी है, वही अगेन जो प्रॉब्लम थी स्कूटर की मैंने अभी तक ठीक नहीं करवाई कि वो जो उसकी वो जो नलकी होती है वो लीक करती है, तो खड़े खड़े स्कूटर मैंने पिछले 10 दिन से स्कूटर चलाया नहीं है, मतलब तो मैं बीच बीच में हवा भरता रहता हूँ उसमें, और तो बस वही है कि अभी हवा वगैरह भरी है। पंप है मेरे पास, ये रखा पंप, ये जो है पंप आप देख रहे हो, ये पंप रखा है, तो अभी हमने हवा भरी है। वो टॉनी को एक राउंड लगवा रहे, क्योंकि टॉनी फिर जाने के टाइम पे उदास हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो हम जाने से पहले टॉनी को घुमा के लाएंगे। और ये देखो मिली, ये सब शरारती करती, क्या चूहा पकड़ा इसने, क्या है, पत्तों से खेल रही है, वो पत्ते उसके नाखून में फंस रहे हैं तो वो उससे खेल रही है। चलो आगे का वीडियो देखते हैं। कोई चीज है क्या इसके पास जिससे खेल रही है? है तो पत्ता ही उसके नाखून में फंस जाता है, पर कुछ, ये तो किसी मछली वगैरह का मुंह है, जैसे ये लोग मछली काटते हैं ना, तो ये लोग मछली काट के इधर, ये हमारे लैंडलॉर्ड के घर हैं ये सारे चारों पांचों भाइयों के, तो ये इनका बैकयार्ड समझ लो जहाँ पे ये हम लोग रहते हैं, तो ये लोग इस तरफ वो कई बार मछली की सफाई करते ना, काटते पीटते तो उसको फेंक देते हैं, तो ये हाँ मछली का ही मुंह है, हाँ मछली का मुंह है, देखते हैं आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। मिली मिली, क्या कर रही, और पहल शोना नहीं जाएंगे क्योंकि शोना ब्लॉग लिख रही है, तो वो ब्लॉग पर काम कर रही है, अभी उनके 20 दिनों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, शोना तो ब्लॉग पर काम कर रही है इसलिए वो भी नहीं जा रही है हमारे साथ, और पहल जो है वो आपको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां से तो नहीं दिख रही है वो, पहल सिया सिद्धि ये सब मिल करके नरकासुर बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया था दिवाली वाले दिन गोवा में नरकासुर फेस्टिवल होता है, नरकासुर एक वो राक्षस था जिसको कृष्ण जी ने कार्तिक मास की अमावस्या को मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मारा था, तो उसका पुतला बनाया जाता है और पुतला बना करके फिर उसको खूब डेकोरेट करते हैं और सुबह 4 बजे उसको जलाते हैं और उसके बाद फिर दिवाली वगैरह मनाते हैं लोग। तो पहल 2 दिन से वहाँ पर वो पुतला बना रही है नरकासुर का, तो अभी हम दोस्तों निकल रहे हैं। स्कूटर की हालत देख लो कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि 10 दिन से एक ही जगह खड़ा था, टॉनी के बाल वाल चिपके पड़े हैं, आके इसकी धुलाई करूँगा, और धूप निकल रही थी अभी, एकदम धूप गायब हो गई, पर ये काले बादल है, अभी काफ़ी बिजली भी गड़क रही थी धूप में ही,
यहाँ मौसम कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। रात भर इस तरफ मोरजिम, ये मोरजिम बीच है, इस तरफ बिजली गड़कती रही। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सब्जी मंडी पहुंच गए हैं। सब्जी मंडी के बाहर स्कूटर मैंने पार्क कर दिया है। अम्ब्रेला रखना है, एक दो लाइए। तो दो अम्ब्रेला क्यों लाई? मेरा रेनकोट भी इसमें रखा है। क्या सारी बारिश तुम्हारे पीछे ही लग रही है? इसमें जगह ही नहीं है। आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई। इसमें इसको पकड़। अंधेरा तो है, thank you।